Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your future, career, connections and blessings coming. Is bare mein reading hai. Let's get started with your reading. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव थ्री पाइल्स. तो आपको अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है, अपने जोडियक साइन अकॉर्डिंग पिक करनी है. सो पाइल नंबर वन इज़ ऑफ सत्विक साइंस, पाइल नंबर टू इज़ ऑफ रजासिक साइंस, पाइल नंबर थ्री इज़ ऑफ तामसिक साइन. तो जिस भी साइन के सीज़न में आपका बर्थडे आता है, उस वाले साइन के सीज़न को, उस वाले पाइल को आपने पिक करना है. जो पाइल नंबर वन है, इट्स ऑफ सत्विक साइन, कैंसर, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस. तो अगर आपका बर्थडे इन साइंस के किसी सीजन में आता है, पिक पाइल नंबर वन. अगर आपका बर्थडे एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लीब्रा वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, साइन के सीजन में आता है, पिक पाइल नंबर टू. ये रजासिक साइंस थे. फिर पाइल नंबर थ्री वर्गो, स्कॉर्पियो, केप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये चार आपके तामसिक साइंस है. इन साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आते हैं, पिक पाइल नंबर थ्री. फॉर एग्जांपल योर बर्थडे कम्स बिटवीन जुलाई 20, लाइक योर बर्थडे कम्स बिटवीन जुलाई 23 टिल अगस्त 22. इस इन डेट्स पर या इन डेट्स के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है, यू आर समवन जो लियो सीजन में बॉर्न हुए, तो आपको पाइल नंबर वन को पिक करना है बिकॉज लियो इज़ अ सात्विक साइन. ऑलराइट, तो ऐसे आपको अपनी पाइल को पिक करना है. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो और देखो. सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट, हेलो पाइल नंबर वन. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल बिकॉज आपका बर्थडे सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो हम सबसे पहले इस आई शुड से इस एस्ट्रोलॉजी ओरेकल डेक से कुछ कार्ड्स पुल करेंगे अबाउट योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर. ऑलराइट, कि कहाँ पर आपका फोकस है या कहाँ लाइफ आपसे फोकस करा रही है करियर में. व्हाट्स हैपनिंग फॉर पाइल नंबर वन इन द न्यू चैप्टर ऑफ देयर करियर. सो वी हैव सैटर्न. लाइफ इज गोना मेक यू अ हार्ड वर्कर, लाइफ इज गोना मेक यू वेरी स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिंड, कंसिस्टेंट इन योर करियर. सो अपनी जो है कमर कस लो बिकॉज मेहनत का समय है. यू कैन बी सेइंग कि मेहनत का तो कितने सालों से समय चल रहा है, मैं इतने सालों से मेहनत करी जा रहा हूँ या करी जा रही हूँ, इतने सालों से इतना हार्डवर्क करी जा रही हूँ. बट द थिंग इज़ कि दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ इज़ गोना मेक यू मोर हार्डवर्किंग. और हार्डवर्क बंदर वाली भाग दौड़ नहीं, बट समझ के साथ जो है एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप चलते हुए नजर आ रहे हो. सैटर्न इट शोज़ कि करियर अब बहुत एक्टिव है. कहीं ना कहीं करियर बिकम्स द लाइफ फोकस. मतलब करियर सब कुछ नहीं है, पर करियर फिर भी आपके लिए बहुत कुछ है आने वाले समय में. अभी के समय से जब से आप ये रीडिंग देखना शुरू करो, तब से आपने न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ शुरू करा अपने करियर में. दैट्स व्हाई वॉचिंग दिस रीडिंग, दैट्स व्हाई गोइंग थ्रू दिस रीडिंग. आपने अभी एक नया चैप्टर, अभी जस्ट इस मोमेंट में अपना एक नया चैप्टर शुरू करा है, और इस नए चैप्टर में बहुत हार्डवर्किंग नज़र आ रहे हो और एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना काम कर रहे हो, समझ के अपना काम कर रहे हो. और लाइफ में आपका फोकस ज़्यादा अपने करियर की तरफ ही रहने वाला है और इधर उधर इतना भटकता हुआ नहीं नजर आ रहा है. आपका फोकस, मेन फोकस अपने करियर को बिल्ड करना है थ्रू शियर हार्डवर्क. और यू आर गिविंग योर सेल्फ इन सर्विस. ऐसा हो सकता है पाइल नंबर वन दैट यू गाइज आर इन अ सर्विसेबल जॉब, इन सर्विसेबल करियर. हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग डॉक्टर हो, मेडिकल फील्ड में हो. सिर्फ डॉक्टर नहीं, बट दे आर अदर टेक्नीशियंस एज वेल, चाहे वो अल्ट्रासाउंड करने वाले, चाहे वो एक्सरे करने वाले, चाहे वो ब्लड ड्रॉ करने वाले, चाहे नर्स है. लाइक यू आर समवन जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी कर रहे हो, जो एक मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हो. मेनी ऑफ यू कैन इवन बी इन लॉ, being lawyers or working in law. All right, because sixth house wali activity somehow I feel you guys are doing, because sixth house or the sign of Virgo represents diseases, hospitals, fights, arguments, legal issues, courthouses, problems of other people, daily basis, routine basis.
आई मीन रूटीन इज वर्गो इन द सिक्स्थ हाउस. सो रूटीन बेसिस पर कहीं ना कहीं दूसरे लोग के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. यू आर गिविंग योर सेल्फ इन सर्विस टू अदर पीपल. कोई सर्विसेबल वर्क में, सर्विसेबल जॉब में. मेनी ऑफ यू कैन इवन बी एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स, कैन बी सम सॉर्ट ऑफ हीलर, क्योंकि यहाँ पर भी आपको दूसरे लोगों का प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा और उनको एडवाइस करना पड़ेगा. जहाँ पर भी यू आर बिकमिंग अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट, ये वो वाले वर्क, यही वाले वर्क आप करते हो नजर आ रहे हो. प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट और एक प्रोफेसर काइंड ऑफ वर्क्स आप करते हो नजर आ रहे हो. मैनी ऑफ यू कैन बी इन टीचिंग जॉब्स और विल बिकम वेरी गुड टीचर्स, प्रोफेसर्स या वेरी गुड कंसल्टेंट्स. अब वो आप फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट भी हो सकते हो. सो इस तरह के सर्विस में, लाइक यू आर मीटिंग पीपल, यू आर इन अ सर्विसेबल जॉब, ऐसा करियर समहाउ आपका नजर आ रहा है पाइल नंबर वन. ऑल राइट, और लेट्स जस्ट पुल सम टैरो कार्ड्स नाउ अबाउट कि किन लोगों से आप कनेक्शन बना रहे हो. ऑल राइट, किन लोगों से पाइल नंबर वन का उनके करियर में कनेक्शन बन रहा है. ऑल राइट, सो वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. सो आई मीन पीपल आर टेकिंग अवे थिंग्स फ्रॉम यू. लोग आते हैं और आपसे कुछ लेकर जाते हैं, कुछ अच्छा, कुछ सलाह, कोई चीज़ आपसे लेकर जाते हैं. लाइक यू आर मीटिंग पीपल जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड नहीं है. लाइक यू आर नॉट रियली मीटिंग रिच पीपल, वेल्दी पीपल. आप उनसे नहीं मिल रहे हो. यू आर वर्किंग फॉर द पब्लिक, यू आर वर्किंग फॉर द मासेस, पीपल हु आर अनप्रिविलेज्ड. इवन सैटर्न भी अनप्रिविलेज्ड लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसे लोगों को सिग्निफाई करता है जिन लोगों को ज़िंदगी ने बहुत हार्डशिप्स दी है. ऑल राइट, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बन रहा है, ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो. मतलब जो लोग हार्डशिप से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों से आप कनेक्शन बना रहे हो, वो आपसे कनेक्ट होते हैं और उनसे आपका इनकम आता है. क्योंकि दे एंड नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग, कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में. हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है. ऑल राइट, सो ये मत सोचो दैट इफ़ दे आर नॉट गिविंग यू सम मनी, नथिंग इज़ गोना कम टू यू. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सम दे विल गिव यू समथिंग, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देना तो पड़ेगा. बट देयर आर अनप्रिविलेज्ड पीपल यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू, यू आर कनेक्टिंग टू द मासेस. ऑल राइट, आपसे वो कुछ वैल्यूएबल लेकर जाता है, चाहे वो सलाह हो, चाहे वो कुछ चीज़ हो, आपसे कुछ वैल्यूएबल वो चीज़ लेकर जाते हैं. एंड वी हैव द लवर्स, यू आर ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड टू पीपल हु डील विद सम रिलेशनशिप इशूज इन देयर लाइफ, और हु आर वेरी इमोशनल पीपल, और हु आर वेरी पैशनेट. थोड़ा सन की होना है. ऐसे लोगों से आप कहीं ना कहीं कनेक्शंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो. पीपल हु आर पैशनेट अबाउट समथिंग, या सनक जैसे चढ़ जाए कि भाई मेरे को तो ये चीज़ करनी है, कुछ इस तरीके के लोगों से आप कनेक्शन बना रहे हो. इन फैक्ट इफ यू इट ऑल्सो हेयर शोज दैट यू गाइज कैन मीट पीपल जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं. करियर को लेकर उनके अंदर है कि भाई हमें कुछ ना कुछ बनना है, हमें ऐसे ही नहीं रह जाना, हमें कुछ ना कुछ बनना है. द बहुत सीरियस अपने करियर को लेकर जो लोग होते हैं उनसे आप मिलते हुए नजर आ रहे हो. और ये लोग बहुत हार्डवर्किंग भी है. रात के 12 बजे भी अगर आप इनको कॉल करते हो तो दे विल बी रेडी टू डू योर वर्क. इन लोगों के साथ आप कनेक्शन बनाते हुए नजर आ रहे हो बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट देयर करियर, अबाउट वॉट दे आर डूइंग. इन लोगों से आपका कनेक्शन बन रहा है. एंड वॉट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन फॉर पाइल नंबर वन इन देयर करियर, क्या अच्छी चीज़. ओके, अच्छी चीज़ हो रही है. सो वी हैव मैजिशियन. ब्लेसिंग ये है दैट यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन योर करियर. जो हम सैटर्न वाला कार्ड देख कर भी कह रहे थे, सैटर्न ना रात का ग्रह, इवनिंग के बाद उगता है ग्रह. सो यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, यू आर डूइंग सम टफ वर्क, जिसमें आप ऐसा कोई करियर फॉलो परज्यू कर रहे हो जहाँ पर बहुत सोचना पड़ता है, जहाँ पर बहुत लर्न करना पड़ता है. मुश्किल है ये चीज़, एजुकेशन, जिस करियर को लेकर आप एफर्ट डाल रहे हो, जो आप एजुकेशन ले रहे हो, जिस करियर में है, ऐसा करियर है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सिर के सारे बाल वाइट कर दे ऐसा करियर है. और आई फील दैट व्हेन यू आर स्टडिंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यू गाइज विल डील विद थिनिंग ऑफ हेयर, फॉल, ग्रे हेयर कमिंग इन. सो ऐसा लाइक यू कैन हैव सन मर्करी कंजंक्शन इन योर असेंडेंट. जब भी सन मर्करी कंजंक्शन असेंडेंट में होता है, बुध आदित्य योगा असेंडेंट में होता है. बुध मीन्स मर्करी, आदित्य इज द अदर नेम ऑफ सन.
तो सन मर्करी का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है असेंडेंट में पाइल नंबर 1, जो कि ग्रेट इंटेलिजेंस को शो करता है, वेरी गुड इंटेलिजेंस, एकेडमिक सक्सेस को शो करता है. अगर केतु राहु का इन्फ्लुएंस नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है, कंजंक्शन नहीं है सन मर्करी के साथ, सिर्फ सन मर्करी बैठा हुआ है असेंडेंट में और उसको कोई राहु केतु एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत आपको एकेडमिक सक्सेस देगा. बट एट द सेम टाइम जब आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो, स्पेशली ग्रेजुएशन के बाद, या ग्रेजुएशन में भी कई बार होता है ऐसा कि ऐसे पर्सन का हेयर फॉल होने लग जाएगा, थिनिंग ऑफ हेयर होगा डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने से, तो दीज थिंग्स हैपन जब सन मर्करी असेंडेंट में होता है. तो ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगा. बट यस, ऐसा समय आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर जो है इस करियर का, इट्स अबाउट यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, यू आर डूइंग कैलकुलेशन, डीलिंग विद नंबर्स और न्यूमेरिकल्स, यू गाइज आर इन टर्म्स इन सम टेक्निकल करियर, मैनी ऑफ यू गाइज कैन इवन बी इंजीनियर्स, कैन बी डीलिंग विद कंप्यूटर लैंग्वेज, बिकॉज मर्करी लैंग्वेज भी है. ऑल राइट, मैनी ऑफ यू कैन बी डीलिंग विद अगेन वही कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर्स, आईटी सेक्टर, बट बहुत ध्यान लगाकर, मन लगाकर आप काम करते हो, नज़र आ रहे हो. और ब्लेसिंग ये है कि काम कर लेते हो, ब्लेसिंग ये एक होता है कि हम अपना पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं बट फिर भी काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, काम जो है इट्स नॉट कमिंग टू अ सक्सेसफुल प्लेस. ऑल राइट, सो ऐसा नहीं है, जो आप काम कर रहे हो, जो आप एफर्ट कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो रहा है. मजिशियन एक मेजर आर्काना कार्ड है, तो जो आप काम कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो रहा है, जो आपका हार्डवर्क है वो वेस्ट नहीं जा रहा है, इट इज़ गिविंग यू सम फ्रूट. बट काम आपको करना पड़ रहा है ये ज़रूर नज़र आ रहा है. यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट योर वर्क प्लेस, या फिर अपने घर पर ही आप काम करते हो, तो बहुत लंबे आवर्स तक, लॉन्ग आवर्स तक आपको काम करना पड़ सकता है. ये न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ आपके लिए, न्यू चैप्टर ऑफ करियर आपके लिए लेकर आ रहा है. देन वी हैव द थ्री ऑफ कप्स. ब्लेसिंग ये भी है दैट यू विल हैव अ गुड टाइम विद योर कोवर्कर्स. कहीं ना कहीं कोवर्कर्स के साथ अगर आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, सो फाइनली दोज इशूज आर कमिंग टू एन एंड. आपका रिलेशनशिप अपने कोवर्कर्स के साथ बहुत अच्छा है. मैनी ऑफ यू गाइज विल सेलिब्रेट सम फेस्टिवल विद योर कोवर्कर्स, और कोई ऑफिस में, वर्क प्लेस पर कोई सेलिब्रेशन का पार्ट आप सभी बन रहे हो, आप और आपके कोवर्कर्स, एंड यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम. यू गाइज आर रियलाइजिंग कि अरे ये मेरे कोवर्कर्स ज़्यादा बुरे लोग नहीं है, या बुरे लोग है ही नहीं, कहीं ना कहीं सिचुएशन ने इनको मेरी नज़रों में बुरा बना दिया, बट दीज आर नाइस पीपल, दीज आर पीपल लाइक मी ओनली. सो समहाउ कोवर्कर्स के साथ रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं. यू गाइज आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सम सेलिब्रेशन, यू गाइज आर टू together, working together, कहीं ना कहीं एनिमिटी खत्म हुई है. देन वी हैव द सेवन ऑफ पेनिकल्स. सेवन ऑफ पेनिकल्स शो करता है कि मनी आप ज़्यादा सेव कर पाओगे इस न्यू साइकिल ऑफ लाइफ में. एंड आई फील इस न्यू साइकिल ऑफ लाइफ या न्यू साइकिल ऑफ करियर में ऐसा है कि मनी खर्च करने का आपके पास टाइम नहीं है, है ना. हम सोशल मीडिया पर या किसी शॉपिंग ऐप पर कपड़े देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो चीज़ें देखने के लिए भी तो टाइम चाहिए, और फिर उसको ऑर्डर करना, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए. वो टाइम आपके पास कहीं ना कहीं है ही नहीं. आपका सारा टाइम आपके करियर में जा रहा है. आप शॉपिंग इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो इन दिस न्यू साइकिल और न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. आप ज़्यादा मनी सेव कर पा रहे हो. आई ऑल्सो फील मैनी ऑफ यू गाइज आर सेविंग मनी टू गेट अ होम, जो चीज़ लंबे समय तक आपके साथ रह सकती है. गाड़ी लंबे समय तक नहीं रह सकती, वो कुछ साल रहेगी, बट घर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत 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 सालों तक आपके साथ रहेगा, मे बी अ लाइफ टाइम रह सकता है घर. सो एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, उसके लिए आप मनी सेव कर रहे हो और सेव कर पाओगे. कहीं ना कहीं पैसे आप खर्च नहीं कर रहे हो क्योंकि अगेन टाइम नहीं है और आप ऐसे खर्चना भी नहीं चाहते हो. सो मनी आप अच्छा खासा सेव कर पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. और आप किसी लाइक आई फील मैनी ऑफ यू वॉन्ट बाय अ होम फॉर योर मदर, मैनी ऑफ यू मे वॉन्ट बाय अ होम फॉर योर यू नो सम फीमेल, इट कैन बी योर वाइफ, इट कैन बी योर सिस्टर, मैनी ऑफ यू जस्ट वॉन्ट बाय अ होम फॉर योर ओन सेल्फ सिक्योरिटी. So long term investments. Then we have attraction. It says fancy. So attraction card यहाँ पर ये show कर रहा है that you are somehow money attractor. You are somehow someone जो
जिसको काम मिल जाएगा, जिसको मनी मिल जाएगा, अगर आप एक नई जॉब चाहते हो, आप एक नई कंपनी में जाके वर्क करना चाहते हो, तो यू आर अट्रैक्टिंग दैट. अगर आप चाहते थे कि ये कंपनी मेरे साथ वर्क करे या वो कंपनी मेरे साथ वर्क करे, तो आप उस कंपनी को अपनी तरफ समहाउ अट्रैक्ट कर पा रहे हो. जो आप चाहते हो ना अट्रैक्ट करना अपने करियर में, वो आप कर पा रहे हो अट्रैक्ट. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. समहाउ यू आर ऑन दिस फ्रीक्वेंसी, मजिशन वाली फ्रीक्वेंसी पर आप नज़र आ रहे हो पाइल नंबर वन, जहाँ पर आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है. सिर्फ शर्त ये है, सैटर्न बन जाओ, यानी हार्ड वर्कर बन जाओ, वो भी अच्छे से चलो, यानी बंदर वाली भागदौड़ ना करो, समझ के साथ चलो, कैलकुलेटिव वे में चलो, प्रैक्टिकल होकर चलो. दिस इज सैटर्न. तो सैटर्न कहता है कि यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट अट्रैक्ट. सो मेनी ऑफ यू वर, इफ यू वॉन्टेड टू बी इन सम न्यू जॉब, आपको एक नई कंपनी में वर्क चाहिए था, सो यू कैन बी इन दैट कंपनी, यू कैन गेट एन ऑफर लेटर, और यू गेट टू, अगर आपने उस कंपनी को किसी कंपनी में अपना रेज्यूमे दिया था या इंटरव्यू दिया था, तो विद इन 3 days और विद इन 3 weeks आपको एक कॉल बैक आ सकता है, आपको ईमेल आ सकता है. सो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने करियर में चीज़, वो आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो आप कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी पर. आई हैव सेड दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स इन द प्रीवियस रीडिंग, कि जैसे रेडियो का हम एग्जांपल लेते हैं, रेडियो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर चलता है. गाना हमें सुनना है रेडियो पर, तो एक चैनल पर वो गाना चल रहा है. अब वो चैनल पर हमें अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ेगा, तब हम वो गाना सुन पाएंगे. अगर हमारी रेडियो के फ्रीक्वेंसी कुछ और है, तो हम गाना नहीं सुन पाएंगे. उसी तरह लाइफ में आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर आ रहे हो पाइल नंबर वन, जहाँ पर आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करनी है, जो गाना सुनना है या जो चीज़ चाहिए, वो आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. आप रोने धोने वालों में से नहीं नज़र आ रहे, somehow आप काम करने वालों में से नज़र आ रहे हो. यू आर समवन हु इज़ अ हार्ड वर्कर, और आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क से, सेल्फ एफर्ट, सैटर्न इज सेल्फ एफर्ट, सो सेल्फ एफर्ट के थ्रू आप अपना करियर अच्छा बना पा रहे हो. सेल्फ एफर्ट के थ्रू आपको अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस होने वाला है इन द कमिंग डेज. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील होगा कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. हेल्थ आपका कहीं ना कहीं साथ देगी, लोग आपके कहीं ना कहीं साथ नज़र आ रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नज़र आ रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट. और कहीं ना कहीं लवर्स कार्ड ये शो करता है कि आपका ऐसे लोगों से कनेक्शन बन रहा है जो बहुत पैशनेट है अपने करियर से, तो कहीं ना कहीं आप भी उनसे मोटिवेट होते हो, इंस्पायर होते हो, एंड वी हैव करेज. सो करेज कार्ड डेफिनेटली एक मार्स स्टेशन कार्ड है. मार्स करेज, मार्स सोल्जर है ना, तो सोल्जर में करेज तो होता है, हिम्मत तो होती है, मोटिवेशन तो होता है. और जैसे जो एक सोल्जर की डेली लाइफ होती है, या जो हमारा एक लाइफ टाइम एक एडवेंचर होता है, वो एक सोल्जर की डेली लाइफ होती है. तो उसी तरह पाइल नंबर वन ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेली लाइफ है वो दूसरे लोगों का लाइफ लॉन्ग एडवेंचर हो, पर आपकी वो डेली रूटीन है एडवेंचर वाली. दैट कैन हैपन, बट इट शोज करेज. आप कहीं ना कहीं करेज शो कर पाओगे, आप बहुत करेजस नज़र आ रहे हो. कोई चीज़ करनी है, आप घबराते नहीं हो, आप कहोगे मैं करती हूँ ये चीज़, आई हैव टू डू इट, आई नीड टू डू इट बिकॉज आई एम गुड एट इट. तो आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के सामने कोई प्रेजेंटेशन देते हुए नज़र आ रहे हो, स्टेज पर जाते हुए नज़र आ रहे हो, माइक पर बोलते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर बिकमिंग अ माइक, ऑल राइट. सो आपके अंदर बहुत करेज है. आप किसी चीज़ से या किसी कॉम्पिटिशन हर्डल से डरते नहीं हो, डर नहीं है आपके अंदर. आपके अंदर बहुत करेज नज़र आ रहा है, हिम्मत, ताकत नज़र आ रही है. इवन इफ़ यू टच योर रॉक बॉटम इन लाइफ, स्टिल यू विल हैव द एबिलिटी टू राइज बैक, टू कम बैक अगेन टू द टॉप, क्योंकि आपके अंदर वो करेज है, वो मार्सिशन एनर्जी आपके अंदर है, लड़ने की कैपेसिटी आपके अंदर है, ताकत आपके अंदर है, एक विल पावर. अगेन मार्स ये करेज, ये विल पावर भी शो कर रहा है कि आपकी विल पावर इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. कुछ कर दिखाने की एनर्जी आपके अंदर बहुत है. मार्स कैन बी आत्माकार्य का प्लैनेट पाइल नंबर वन. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees इन योर चार्ट कैन बी मार्स, या फिर मार्स मून का कंजंक्शन हो, या फिर मार्स असेंडेंट में हो, दिस कैन इवन हैपन. जब मार्स असेंडेंट में है तो नेचुरली आपको मांगलिक बनाता है, बट इट शोज कि यू लाइक टू गिव ऑर्डर्स बट यू कैन नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अदर पीपल. यू वॉन्ट बी इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यू डू वॉन्ट बी डिपेंडेंट ऑन
एनीवन। सो इस तरह का आपका नेचर यहाँ पर नजर आ रहा है। मार्स अगेन असेंडेंट में हो सकता है, या मार्स सेवेंथ हाउस में हो तो भी मार्स ऑफकोर्स आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा है। टेंथ हाउस में आपका मार्स हो सकता है, क्योंकि अगेन टेंथ हाउस में भी असेंडेंट को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। सिक्स्थ हाउस में मार्स हो सकता है, अगेन असेंडेंट को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। तो इट शोज आपके अंदर बहुत स्ट्रांग विल पावर होगी, लड़ने की पूरी ताकत होगी, और आप अपने विल पावर से हर एक ऑब्स्टिकल को पार कर लेते हो। मार्स सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, विच मेक्स यू लाइक वेरी प्रोन टू हेल्थ इशूज। यस, क्योंकि सैटर्न वाइटलिटी है, लॉन्जिटिविटी है, मार्स शार्प ऑब्जेक्ट है, इट्स को ना बुचो योर लॉन्जिटिविटी। जैसे यहाँ पर भी करेज कार्ड में भी सी अ स्मॉल स्वॉर्ड, हमेशा ये शार्प ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो ये मार्सेशन एनर्जी है, मार्स क्योंकि सोल्जर है, इट विल हैव अ गन, इट विल हैव गन स्वॉर्ड नाइफ, यू नो समथिंग टू किल, समथिंग टू बुचर। तो मार्स सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, मार्स सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, सो दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट कैन बी देयर। या फिर मार्स अपने एट्थ एस्पेक्ट से सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से मार्स आपका सेकेंड हाउस में और सैटर्न आपका नाइन्थ हाउस में, तो अगेन मार्स इज एस्पेक्टिंग सैटर्न। तो ऐसे केसेस में यही होता है कि हाँ, एक पर्सन टेक्निकल माइंडेड होता है, वो इंजीनियर बन सकता है, या मतलब टेक्निकल एजुकेशन लेगा अपनी लाइफ में, ऑल राइट, बट उसको हेल्थ इश्यूज भी होंगे, उसका कहीं ना कहीं वाइटलिटी या इम्यून कहीं ना कहीं वीक हो सकता है, तो उसका भी इंडिकेशन है आपके चार्ट में। ऐसा प्लेसमेंट हो सकता है आपके चार्ट में, पाइल नंबर वन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव सैडनेस कार्ड, आई मीन वी हैव सैटर्न, सो वी हैव सैडनेस एज वेल। सैटर्न का कलर भी ब्लू होता है, इस डेक में ना कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो ब्लू कलर इज ऑफ सैटर्न, और यहाँ पर भी सैटर्न, हम यहाँ पर भी ब्लू कलर देख रहे हैं। मैजिशियन कार्ड में भी हम लाइट ब्लू कलर देख रहे हैं। तो सैटर्न सैडनेस को इसीलिए भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि सैटर्न बहुत प्रैक्टिकल है। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ देखो, इट्स नॉट दैट हैपनिंग। हम रोमांटिसाइज करते हैं अपनी लाइफ को कि यू नो, जैसे हम अपने घर को सजा रहे, इट्स अबाउट रोमांटिसाइजिंग लाइफ, क्योंकि खुशी होती है। बाकी घर पे क्या चाहिए वैसे चीज़ों में, एक हमें सोफ़ा सेट चाहिए, एक हमें बेड चाहिए सोने को, वैसे बेसिक यही है, सोफ़ा सेट भी छोड़ो, सिर्फ बेड चाहिए। बट लाइफ कहती है, वीनस कहते हैं कि रोमांटिसाइज करो लाइफ को, बेड है तो साथ में दो जो है साइड बेड साइड टेबल्स होनी चाहिए, बेड है तो बेड का एक हेडबोर्ड होना चाहिए, बेड है तो बेड पर एक यू नो लग्जरी गद्दा भी होना चाहिए, एक लग्जरी बेडशीट भी होनी चाहिए, अच्छा मतलब बेसिकली अच्छा मैट्रेस, अच्छी कलरफुल बेडशीट्स होनी चाहिए, अच्छी सी लाइट्स लगी होनी चाहिए, विनिशन चीज़ें हैं। बट सैटर्न इज़ योर नेसेसिटी, ऑल राइट, सैटर्न रिप्रेजेंट्स नेसेसिटी। तो लाइफ नेसेसिटीज से भी चल सकती है, खाने को दो वक्त का खाना, और रहने को छत, और पहनने को दो कपड़े, ये सैटर्न कहते हैं इतना बहुत है, दिस इज़ वॉट सैटर्न सेज। कहीं ना कहीं मिनिमलिज्म की तरफ आप जा रहे हो विद दिस कार्ड, आई सी। आप नहीं जाते लग्जरी चीज़ें, या नहीं अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करना चाहते, आप मिनिमलिस्टिक अप्रोच रख रहे हो लाइफ की तरफ। इवन आप जो कल को घर बाय करोगे अपने लिए, उसके अंदर आप मिनिमलिस्टिक चीज़ें रखोगे, आप ये नहीं चाहते कि आप अपना घर भर दो चीज़ों से, यू विल नॉट वॉन्ट दैट मिनिमलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, आई सी। और इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में बहुत 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 प्रैक्टिकल होकर आप चल रहे हो, आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते किसी भी तरीके से, और आप अपना काम खुद करना चाहते हो, और गंभीर प्रकृति के राग की तरह नज़र आ रहे हो। गंभीरता का गुण आपके अंदर है, आप हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हो, गंभीरता से देखते हो, सीरियस होके देखते हो लाइफ में, काफ़ी सीरियस अगेन नज़र आ रहे हो, सीरियसली अपना काम कर रहे हो, मजाक मस्ती के लिए शायद आपके पास समय नहीं। बट यू आर हेयर टू मेक गुड कनेक्शंस, यू आर हेयर टू मेक गुड कनेक्शंस विद पीपल, बट या आप अगेन एक सैटर्न बनते हो नज़र आ रहे हो। सैटर्न आपका आत्माकार का भी हो सकता है, पाइल नंबर वन। ऑल राइट, सैटर्न कैन बी आत्माकार का, एंड ऑल्सो यू विल नोटिस कि हर रोज़ एक ही चीज़ करी जा रहे हो, मतलब एक ही चीज़ इन द सेंस कि आज भी 5 घंटे काम करा, कल 6 घंटे काम करा, फिर अगले दिन 7 घंटे काम करा, फिर 5 घंटे काम करा, मतलब काम में ज़िंदगी ज़्यादा जा रही है। मे बी यू आर अनेबल टू स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, यू आर अनेबल टू स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ सो मच, मतलब वो आप कर सकते हो, सेल्फ केयर भी अपना कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं करियर पर बहुत फोकस है। करियर में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड आप अपने करियर में ही कर रहे हो, ये यहाँ पर शो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी हेल्थ निग्लेक्ट करी हुई है, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर टाइम आप अपने करियर को दे रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि यही समय
अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही जो है मुझे अपना करियर बनाना है, आगे का पता नहीं, अभी ही करनी है चीज़ें, तो इस तरह का थॉट प्रोसेस भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ। सो कमर की क्या कहते हैं, कमर की कुर्सी नहीं, कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि अब जो है आप भी उड़ने वाले हो एयरप्लेन पर, या फिर हम कह सकते हैं कि आप भी प्रोग्रेस करने वाले हो अपने करियर में। प्रोग्रेस वो सेल्फ एफर्ट से हो रही है, कोई यहाँ पर मैजिक नहीं हो रहा है। यू आर क्रिएटिंग द मैजिक, क्योंकि मैजिशियन कार्ड है तो यू आर क्रिएटिंग द मैजिक। बट जो मैजिशियन है वो मैजिक नहीं क्रिएट करता, वो प्रैक्टिस बहुत करता है, उसको कहते हैं हाथों की सफाई, ही प्रैक्टिस बहुत करता है, इतना क्विक हो जाता है अपनी ट्रिक में कि सभी को ट्रिक कर देता है, इतना क्विक हो जाता है अपने मैजिक दिखाने में। मैजिक नहीं होता बट वो उसकी ट्रिक्स होती है जो बहुत क्विकली वो कर लेता है, तो किसी को रियलाइज़ ही नहीं होता, सभी को लगता है तो मैजिक परफॉर्म हो रहा है। सो यू आर परफॉर्मिंग मैजिक फॉर अदर पीपल इन योर करियर। ऑल राइट, सो दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर। सो या डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, साइन ऑफ एक्वेरियस, साइन ऑफ एरीज एंड साइन ऑफ स्कॉर्पियो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट। अगेन ये जो एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न, ये सैटर्न रूल्ड है, एरीज स्कॉर्पियो मार्स रूल्ड है, तो ये प्लैनेट्स भी आपके चार्ट में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मे बी सैटर्न या मार्स डेबिलिटेटेड या एग्जॉल्टेड पोजिशंस पर हों, दिस कैन हैपन। ऑल राइट, और अच्छा एरीज में अश्विनी भरिणी कृतिका, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है, एक्वेरियस में सतविशाखन पूर्व भद्रपदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में आपके प्लैनेट्स सन मून राइजिंग आत्माकार का सेनेट सेनेट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होंगे D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड Kshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now, wearing the citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number one. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. हेलो पाइल नंबर टू। सो दिस इज़ योर रीडिंग। यू चोज दिस पाइल बिकॉज आपका जो बर्थडे है वो रजासिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग पाइल नंबर टू। सबसे पहले हम इस एस्ट्रोलॉजी डेक से, ओरेकल डेक से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कहाँ लाइफ आपसे अपने करियर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर फोकस करा रही है, आपका फोकस कहाँ है इस न्यू चैप्टर ऑफ योर करियर में, या इस न्यू नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर करियर में कहाँ आपका सबसे ज़्यादा ध्यान है, कहाँ लाइफ सबसे ज़्यादा ध्यान खिंचवा रही है आपका, किन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो करियर वाइज, किन चीज़ों में। सो वी हैव लिब्रा। ऑल राइट, says balance. Many of you guys can be in careers which are related to recruiting or firing other people, or it can be about solving other people's problem. Many of you can be in HR. All right, many of you can take other people's interview. This can happen. But Libra is about making connection, connecting people together. ऑल राइट, अगर जैसे यू कैन बी इन सच प्लेस, मतलब आपका कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर आप अपने कंपनी में दूसरे कंपनी वालों को फ़ोन करते हो और अपना मीटिंग शेड्यूल करते हो। सो मतलब यू आर द कनेक्टिंग पर्सन, सो ऐसा आप कोई काम कर सकते हो। बट लिब्रा ऑल्सो शोज के आप बिजनेस पार्टनरशिप्स कर सकते हो इन द कमिंग टाइम, इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हो। आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, पार्टनरशिप छोड़ो खुद का बिजनेस भी आप परज्यू कर सकते हो। मैनी ऑफ यू गाइज हैव बिन थिंकिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। मे बी मैनी ऑफ यू गाइज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, मतलब बचपन से यू वॉन्टेड टू हैव योर ओन बिजनेस। आप खुद के बॉस बनना चाहते थे, आप खुद का यू नो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, खुद का काम करना चाहते थे, किसी पर एज सच डिपेंड नहीं होना चाहते थे। यू वॉन्टेड टू डू योर ओन वर्क। लिब्रा इज अबाउट हैविंग योर ओन बिजनेस। इट ऑल्सो शोज कम्युनिकेशन, ट्रैवल।
इट शोज लाइफ पार्टनर एज वेल. सो मे बी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर अपना बिजनेस करो. लाइक वीनस मर्करी का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में पाइल नंबर टू, या वीनस मर्करी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. लेट्स से मर्करी जो है नाइन्थ हाउस में है, वीनस जो है असेंडेंट में है और सैटर्न फिफ्थ हाउस में है, तो ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है. फाइव नाइन प्लेसेज अवे फ्रॉम ईच अदर ए प्लैनेट. सैटर्न करियर का सिग्निफिकेटर है, तो सैटर्न जिन प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है उन प्लैनेट्स वाला काम आपको करना पड़ता है. लेट्स से सैटर्न आपका 5 डिग्रीज पर है, लेट्स से मर्करी आपका 10 डिग्रीज पर है, वीनस आपका 12 डिग्रीज पर है, तो ऐसे केस में ये शो रहे पर्सन ना बिजनेस करेगा, क्योंकि मर्करी सेल्स मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन राइटिंग है और बिजनेस को सिग्निफाई करता है. और वीनस जो है क्रिएटिविटी आर्ट्स ब्यूटी फैशन डिजाइनिंग को शो करता है, फीमेल्स से गेंस को शो करता है. सैटर्न करम है, करियर है, तो इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया पर्सन इवेंचुअली बिजनेस करेगा. द सामशा चार्ट जो कि स्पेसिफिकली आपका करियर रिलेटेड चार्ट है, D10 चार्ट, उसके अंदर यू कैन हैव अ लीब्रा राइजिंग विच शोज इवेंचुअली यू विल डू योर बिजनेस. हाँ, अर्ली ऑन इन लाइफ यू कैन डू जॉब्स एज वेल, बट आप अगर बिजनेस करते हो तो यू विल फ्लरिश, यू विल गेट द बिग मनी इन लाइफ. और आपका मन भी होगा कि हाँ मैं बिजनेस करूँ, बट आपको कन्फर्मेशन चाहिए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बट यू आर एक्चुअली बिल्ड फॉर बिजनेस अगर जैसे लीब्रा साइन सेवन आपका असेंडेंट में आ गया द सामशा के. लेट्स से आप एक वर्गो राइजिंग पर्सन हो तो सेवन्थ हाउस में आपका पाइसीस साइन है, और आपका पाइसीस जो है D10 चार्ट में असेंडेंट ही पाइसीस है, तो अगेन वो बिजनेस वाली एनर्जी है, क्योंकि पाइसीस सेवन्थ हाउस में, सेवन्थ साइन भी लीब्रा है और सेवन्थ हाउस में भी लीब्रा का घोस्ट होता है. अगेन सेवन्थ हाउस भी बिजनेस का हाउस है, तो पाइसीस साइन अगर सेवन्थ हाउस में है बर्थ चार्ट में बिकॉज यू आर अ वर्गो राइजिंग, और द सामशा चार्ट D10 चार्ट में अगेन यू कैन हैव द पाइसीस साइन, तो अगेन वो बिजनेस को शो करता है. सो लीब्रा कैन बी इन योर टेंथ हाउस पाइल नंबर वन इन योर बर्थ चार्ट, या लीब्रा कैन बी योर इन योर असेंडेंट, या लीब्रा द सामशा का असेंडेंट में प्लेस्ड हो, बट यू आर हेयर टू डू बिजनेस. कहीं ना कहीं इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आप बिजनेस कर रहे हो, और यू आर कनेक्टिंग अदर पीपल विद अदर पीपल, लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ें आप करते हो नजर आ रहे हो. अगेन वीनस और मर्करी का ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो वीनस इज ऑल्सो वाइफ इन अ मेल चार्ट, तो आपको अपनी वाइफ को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए अपने बिजनेस में. अगर आप खुद फीमेल हो और आपका वीनस मर्करी का कंजंक्शन है, तो अगेन यू विल बी एबल टू इंडिपेंडेंटली डू योर बिजनेस, क्योंकि वीनस फीमेल है एंड यू आर अ फीमेल, तो आप अपने आप को सपोर्ट करो तो आप खुद का बिजनेस अच्छा चला सकते हो. बट इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, आपका वीनस मर्करी का ऐसे कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन बन ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, तो वाइफ को जरूर इन्वॉल्व करो, तो आपका बिजनेस बहुत 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 फ्लरिश कर पाएगा. ऑल राइट, बट इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में यू विल रिसर्च, यू विल ट्राई टू हैव योर ओन बिजनेस, एंड आई ऑल्सो फील दैट यू कैन हैव सम प्लैनेट प्लेस्ड इन लीब्रा. मून लीब्रा में प्लेस हो सकते हैं, स्पेशली स्वाति नक्षत्र में. स्वाति इज अगेन अ रेड या बिजनेस रूल नक्षत्र. It's also about trucking business, transportation business. Aries sign में planets placed हो सकते हैं. Aries में Ashwini नक्षत्र is again about trucking business and transport related business. Even आपके बिकॉज अश्विनी इज अ नक्षत्र अबाउट अश्विन कुमार, सो वो ट्विन हीलर्स, तो हीलिंग रिलेटेड आपका करियर हो सकता है. वेदर यू आर टैरो कार्ड रीडर और वेदर यू आर रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, मिस्टिसिज्म रिलेटेड, या अगेन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर यू नाउ, बट हीलर हो सकते हो आप किसी तरह के विद एनी प्लैनेट इन अश्विनी, स्पेशली मून या आपका आत्मा कारक अगर अश्विनी में, तो यू कैन बी सम सॉर्ट ऑफ हीलर. विल हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन आयुर्वेदा, विल ऑलवेज बी रनिंग इन द रेस ऑफ लाइफ. आप कल्ले अकेले ऐसे नहीं बैठ सकते घर पे, आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करते ही रहोगे. तो ये आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है पाइल नंबर टू, और ऐसी प्लानेटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी भी. बट या ये लीब्रा ये शो कर रहा है बिजनेस की तरफ काफ़ी फोकस है. You want to do your own business. So let's pull some specific cards about connection. किन लोगों से आप मिल रहे हो अपने करियर में. Okay, we have two cards. Connection, who you are getting connected to. So we have King of Pentacles, we have Ace of Swords. You are getting connected to quite wealthy people. आप ऐसे लोगों से connected हो जो जिनके पास शायद generational wealth हो सकती है, या wealthy लोगों से आप connect हो रहे हो, अमीर लोगों से आप connect हो रहे हो, उनके साथ आपका connection बन रहा है. You can even connect with people, या कुछ लोग आपसे ऐसे मिले जो who can work high up in the government, high up in some corporation, they have lot of political power, or they have in general they can have power,
राइट, ऐसे पावरफुल लोगों से आपका समहाउ अपने करियर के थ्रू कनेक्शन बन रहा है, उन इन लोगों के साथ, अगेन अथॉरिटेटिव ऑफिशियल्स के साथ आपका उठना बैठना है, इन लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करते हैं, इन लोगों के साथ आपकी काफ़ी बातचीत है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी इज़ द एयर एलिमेंट, ऑल राइट, साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर, सो काफ़ी बातचीत आपकी ऐसे एक अथॉरिटेटिव पर्सन से होती हुई नज़र आ रही है। एक नहीं, कई सारे अथॉरिटेटिव लोग हो सकते हैं, पीपल हु आर वर्किंग हाई अप इन द गवर्नमेंट, हाई अप इन सम कॉरपोरेशन, या दे कैन बी द ओनर ऑफ सम प्राइवेट कंपनी। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है, इन लोगों के साथ आपकी बातचीत चल रही है। मे बी यू वांट टू डू बिजनेस विद देम एंड दे कैन बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, दिस कैन हैपन। या फिर इन जनरल अगर आप जॉब्स में हो तो आपकी कंपनी के थ्रू आप इन लोगों से मिल रहे हो, समथिंग ऑफ दिस नेचर इज़ हैपनिंग। बट इन अथॉरिटेटिव फिगर्स के साथ आपका उठना बैठना, बातचीत यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन इन फाइल नंबर टूज करियर, इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर करियर, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ करियर में फाइल नंबर टू के। सो I also feel like Libra is a sign about other people. आप दूसरे लोगों के लिए वर्क कर रहे हो और दूसरे लोगों को बहुत आप रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हो, आपके साथ दूसरे लोगों को रहना अच्छा लगता है, दूसरे लोग ये समझते हैं या फील करते हैं दैट यू आर अ रियलाइबल पर्सन, मतलब दे फील दैट यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, उनके सीक्रेट्स आपके साथ सेफ हैं। कहीं ना कहीं आप दूसरों को एट होम या सेफ महसूस कराते हो, लव्ड महसूस कराते हो, बिकॉज ये लिब्रा इज़ अ विनिशन साइन। और यहाँ लिब्रा में सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है, सैटर्न एक सर्वेंट है, वो सर्विस देने को तैयार होता है। अगेन लिब्रा मैरिज का साइन है और उसमें सैटर्न जैसे एक प्रैक्टिकल कोल्ड ड्राई ग्रह एग्जॉल्टेड इसीलिए होता है क्योंकि मैरिज में सर्वेंट बनना पड़ता है पार्टनर का, तब जाके मैरिज वर्क करती है। ईगो उड़ाली अपनी तो नहीं मैरिज वर्क करती, तो पक्का डिवोर्स है। सो सैटर्न तो सर्वेंट बन जाओ, मैरिज चल जाएगी अच्छी। हाँ जी का पाठ पक्का कर लो, ठंडे दिमाग से सोचो, मैरिज अच्छी चलेगी। दूसरी तरह यहाँ पर लीब्रा में ऑफ कोर्स वीनस की तो एनर्जी है ही सो है, क्योंकि वीनस रूल करता है लीब्रा को ऑब्वियसली, बट सैटर्न का भी पूरा यहाँ पर रोल है। वीनस एंड सैटर्न आर गुड फ्रेंड्स, ऑल राइट। तो सैटर्न यहाँ पर आप सैटर्नियन एनर्जी भी आपके अंदर है। सैटर्न कैन बी आत्माकार का प्लैनेट पाइल नंबर टू, सैटर्न कैन बी होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, मतलब सैटर्न कैन बी नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज इज योर आत्माकार का प्लैनेट, या फिर वीनस आपका आत्माकार का प्लैनेट है। लीब्रा साइन में जरूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। मून कैन बी इन लीब्रा, दिस कैन हैपन। स्वाति स्वाति चित्रा स्वाति विशाखा नक्षत्र में आपके प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं लीब्रा में। बट हाँ, यू आर बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड इन योर करियर, स्पेशली अगर आपको किसी से मिलना है ना, आपने उनको कहा है कि मैं 8 बजे आपसे मिलूंगी या मिलूंगा, तो बिल्कुल 8 बजे से पहले, दो मिनट पहले, 5 मिनट पहले पहुंच जाओगे और आप अपने क्लाइंट को रिसीव करोगे, अपने इस अथॉरिटेटिव पर्सन को रिसीव करोगे, उनको वार्म वेलकम दोगे। सो दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग, आप कनेक्शंस रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनते हो। रिलेशन कैसे हमें एक रिलेशन अच्छे बनाने हैं दूसरों के साथ या कंपनी के साथ, तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट आप बन रहे हो। चाहे अगेन मेनी ऑफ यू कैन इवन बी लिटरल मैरिज एक्सपर्ट्स, मैरिज रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, कि मैरिज की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, लव रिलेशनशिप रोमांस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, मतलब इन कामों में बहुत अच्छा है, ये आपका करियर हो सकता है। या फिर अगेन बिजनेस में कैसे अच्छे रिलेशनशिप रखें, तो ऐसा आपका करियर हो सकता है। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कनेक्शंस इनको इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, आप अपने करियर में। ऑलराइट, एंड देन ब्लेसिंग्स, व्हाट ब्लेसिंग्स और गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर करियर। सो वी हैव द 10 of Wands। आई फील कि आप अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप सारा बोझ खुद नहीं उठा रहे हो। ब्लेसिंग ये है कि आप ये सारा काम डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आई मीन यू कैन इवन गेट अ लीडरशिप पोजिशन विद लीब्रा साइन, यू कैन। वैसे लीडरशिप इज एरीज, बट लीब्रा नोज कि अगर काम आता है तो उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें ताकि खुद काम के बोझ के तले ना दब जाएं। तो समहाउ यू आर एबल टू नो कि भाई कौन पर्सन किस चीज़ में अच्छा है और उसको वो काम दूँ मैं। सो आप काम दूसरों को देने में, या अगेन आपको कुछ ऐसा करियर हो सकता है जहाँ पर आपको काम डिस्ट्रीब्यूट करना है,
ऐसे करियर्स में आप जा सकते हो. काम को कैसे हम कम करें, वर्कलोड को हम कैसे कम करें, आपके आइडियाज़ इस चीज़ पर बहुत चलते हैं. आप काम के बोझ के तले नीचे डेड नहीं हो जाओगे. आप यहाँ शो कर रहे हो यहाँ पर 10 of Wands में कि आप कल्ले बोझ नहीं उठा रहे कंपनी का. आप ईजिली अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो या मैनेज कर पाते हो, स्केड्यूल कर पाते हो. अगर आप एजुकेशन में भी हो ना, विद द 10 of Wands इट शोज कि आप अपना एजुकेशन, मतलब जो चैप्टर्स है या जो थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट्स है, उसको स्केड्यूल कर पाते हो कि कब मुझे क्या करना है, तो आप पे बोझ नहीं पड़ता है. देन वी हैव द 5 of Pentacles. मनी वाइज अगर हम देखें, 5 of Pentacles शो करता है द पास्ट वॉज नॉट सो गुड, मे बी आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, मे बी आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड. आप बहुत एक सिंपल परिवार से आते हो, ऑल राइट, और यू वॉन्ट टू मेक मनी. विद द 5 of Pentacles यू वॉन्ट, यू डिजायर टू मेक मनी, बिकॉज मनी मेक्स लाइफ गुड, बेटर, यू गेट रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी एज वेल. सो 5 of Pentacles ये शो कर रहा है कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ अब इम्प्रूव हो रहा है, आपको फाइनेंशियली जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, बुरा समय जो फाइनेंसिस के बारे में था वो एंड हो गया है. बिकॉज अगेन 5 of Pentacles में वी सी दीज टू पीपल मूविंग फॉरवर्ड ओनली, चाहे जितनी मर्जी स्नो है, जितनी मर्जी ठंड है, जितना मर्जी बेसिकली लोग इनको जो है मना कर दें या रिस्पेक्ट ना दें, एक कोल्ड शोल्डर दे दूसरे इनको, स्टिल ये जो है ना आगे मूव कर रहे हैं. और ये जो 5 of Pentacles वाला बैड फाइनेंशियल हेल्थ वाला समय जो है ये अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. दिस पर्सन इज दीज टू आर मूविंग फॉरवर्ड. सो एंड ऑफ स्ट्रगल्स 5 of Pentacles, स्पेशली फाइनेंशियल और इवन हेल्थ वाइज जो स्ट्रगल्स है उसका एंड है. तो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आप देखोगे आपके पास मनी आ पाएगा. इनफैक्ट आप मनी को इन्जॉय कर पाओगे. You will be able to enjoy your wealth. You will be able to enjoy your money. In fact, health यहाँ improve होता हुआ नज़र आ रहा है. Health जो है आपके काम के आड़े नहीं आ रहा है. Health जो है it is good. You are doing well in terms of health. Health की वजह से problems नहीं आ रही career में. Money is becoming more or it's your salary or your income is improving. It's increasing. In this new chapter of career. Then we have agreement. It says strawberry. Agreement कब होता है? जब दो parties होती है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं और वो किसी चीज़ पर हाँ भरते हैं, agree करते हैं. So it's about like it's agreement is about like multiple people. So as I've told you, आप दूसरों के साथ काम कर रहे हो और दूसरे आपसे agree करेंगे. You're working with other people and other people agree with what you are saying. So that's why I said you are making very good connections with other people. ऐसे connections जिनसे आपको फ़ायदा होता है future में और अभी प्रेजेंट में भी फ़ायदा होगा इनसे. सो सक्सेसफुल अग्रीमेंट्स आप करा पा रहे हो जिससे आपको प्रमोशन मिलता है, जिससे आपका बिजनेस और जो है दूसरे कंट्रीज़ या स्टेट्स में बढ़ता है. देन वी हैव स्ट्रेंथ. सो स्ट्रेंथ कार्ड हियर अगेन शोज, वैसे पिछले पाइल नंबर 1 में आया था करेज का कार्ड और उस करेज कार्ड में भी ना ऐसी स्वॉर्ड जैसे एक शार्प ऑब्जेक्ट था, छोटा स्वॉर्ड था या नाइफ कह लो ऐसा था. एंड आई वॉज टेलिंग पाइल नंबर 1 की ये मार्सेशन एनर्जी है और आपके रीडिंग में भी पता है मार्सेशन एनर्जी यहाँ पर आई है पाइल नंबर 2, क्योंकि अगेन स्ट्रेंथ इज मार्स. मार्स इज विल पावर, एनर्जी टू डू समथिंग इन लाइफ, मोटिवेशन, इनर स्ट्रेंथ, करेज. मार्स शार्प ऑब्जेक्ट भी है बिकॉज हेयर मार्स इज अ सोल्जर हु विल डाई बट विल नेवर नेगोशिएट. और सोल्जर के पास स्वॉर्ड होगी, नाइफ होगी, गन होगी, इट्स हेयर टू किल. सो अगेन ये मार्सेशन एनर्जी यहाँ पर है पाइल नंबर 2. सो इट शोज मार्स कैन ऑल्सो बी आत्माकार का प्लानट. मार्स कैन बी प्लेस इन लीब्रा, मार्स कैन बी प्लेस इन एयरीज, मार्स कैन बी प्लेस इन द असेंडेंट, मार्स कैन बी प्लेस इन द 7th हाउस, मार्स कैन बी प्लेस इन द 10th हाउस, मार्स कैन ऑल्सो बी प्लेस इन योर 6th हाउस. तो ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होगी बट मार्स का एलिमेंट यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज, हिम्मत नज़र आ रही है. इनफैक्ट दूसरों से आँख नज़र से नज़र मिलाकर बात करने के लिए भी करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए. अपने से फाइनेंशियली जो अच्छा है उसके साथ भी कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए करेज चाहिए. दूसरों के सामने, इतने सारे लोगों के सामने जो शायद हमसे बहुत ज़्यादा अगेन फाइनेंशियली अच्छे हैं और उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा बेटर पोजिशन में है वो लाइफ में,
उन सभी के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, बात करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत आपके पास नज़र आ रही है एंड समहाउ आपको ऐसी पोजीशंस में आना पड़ेगा जहाँ पर यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों के सामने बोलना है, प्रेजेंट करना है या अगेन कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ करना है बहुत सारे लोगों के सामने, और उसकी हिम्मत आपके अंदर नज़र आ रही है। बट दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर और द न्यू चैप्टर ऑफ योर करियर। Then we have transition, it's the cauliflower. So transition card is the number 11 card. We see the Pisces symbolism. So I see especially with the Aquarius or number 11 is about Aquarius. I see Aquarius is about large organization, large committees, large group. Aap in large group, large organization ke part ban rahe ho, ya in large groups ya large organization ko ikattha karte ho. All right. प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप हो और आप एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड पर हो पाइल नंबर 3, मीनिंग दैट यू आर बिकमिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मे बी आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हो अभी तक, बट ये नए चैप्टर ऑफ लाइफ में, न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आप एक एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो स्पेसिफिकली इन योर करियर। आप अपना पॉइंट रखने से कतराते नहीं हो। अगर आपको कोई चीज़ सुनाई नहीं दी, भाई इस पर्सन ने मुझे क्या कहा, तो आप ही हिम्मत रखते हो कि आप उससे पूछो, प्लीज़ कैन यू रिपीट, मेरे को नहीं सुनाई दिया था। तो आप जब यू नो दे विल टेल यू अगेन, बट वो कहने के लिए भी कही कि भाई मेरा उस टाइम अटेंशन नहीं था या मैं उस टाइम मेरे को सुना नहीं, ये चीज़ कहना भी दूसरे को बहुत मतलब एक इंट्रोवर्टेड पर्सन को तो हेजिटेंसी बहुत होती है। तो हेजिटेंसी नहीं, आप बहुत बोल्ड नज़र आ रहे हो। और कुछ पिछली रीडिंग में भी ये चीज़ हुई है, मतलब कुछ पिछली रीडिंग में भी बोल्डनेस की हमने बात करी है पिछली टैरो कार्ड रीडिंग्स में। तो बोल्डनेस आ रही है आपके अंदर फाइल नंबर 2, और अपने आइडियाज़ रखने की, या कुछ आपको सुना नहीं या कुछ आपको समझ नहीं आया तो फिर से उसको पूछने की उस चीज़ को, तो आपके अंदर वो बोल्डनेस आ रही है। सो डेफिनेटली दैट इज़ देयर, यू आर बिकमिंग मोर बोल्ड, योर ट्रांजिशन आपका हो रहा है, एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में आप चेंज होते हुए नज़र आ रहे हो। लीब्रा इज़ ऑल्सो अबाउट अदर पीपल, तो अदर पीपल से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, यू आर बिकमिंग एन एक्सट्रोवर्ट। देन वी हैव फेथ, इस फेथ कार्ड में भी वी सी चेन, वी सी ये जैसे सर्कल है, ये दूसरे सर्कल से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, तीसरा चौथे से कनेक्टेड है, तो एक सर्कल यहाँ पर नज़र आ रहा है। यू आर कनेक्टिंग अदर पीपल, यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सम नेटवर्क। फेथ कार्ड यहाँ ये है कि ट्रस्ट अदर पीपल, ट्रस्ट द प्रोसेस, इवन इफ यू डेल्ट विद ट्रस्ट इश्यूज इन द पास्ट, इट्स टाइम टू एक्चुअली ट्रस्ट अदर पीपल। ऐसी आंखों पर पट्टी बांध के नहीं, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, ऑल राइट। ये आपके लिए गाइडेंस है, नॉट एवरी वन इज़ बैड, ऑल राइट। पीपल वॉन्ट मेक मनी, यू ऑल्सो वॉन्ट मेक मनी, सो प्लीज़ ट्रस्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सो ट्रस्ट करो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, लोगों से कनेक्शन बढ़ाओ, ये आपके आपके फ़ायदे की बात है आपके करियर में। ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव, ओके वी हैव टू कार्ड्स, वी हैव कार्ड ऑफ सिंप्लिसिटी, वी हैव द कार्ड ऑफ रिलैक्सेशन। सो इट शोज़ कि अगर आप बहुत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं आपके पास रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है, आपके पास रिलैक्सेशन का टाइम भी, आपके पास बुक्स रीड करने का टाइम है, एंड आई फील दैट यू आर नॉट रीडिंग फिक्शन, यू आर एक्चुअली रीडिंग बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड और सम अदर दीज, लाइक दीज काइंड ऑफ बुक्स यू आर रीडिंग, स्पेशली एट द नाइट टाइम, इवनिंग टाइम। एंड द सिंप्लिसिटी कार्ड हेयर शोज दैट यू आर सिंपल, दैट्स वाई पीपल वॉन्ट टू वर्क विद यू, पीपल फील लाइक जो भी इवन बहुत अच्छे बहुत अच्छे पोजिशंस पर जो लोग हैं, पीपल हु आर वर्किंग हाई अप इन द गवर्नमेंट, हाई अप इन सम कॉरपोरेशन, दे वॉन्ट टू वर्क विद यू बिकॉज उनको ऐसा फील होता है दैट यू आर सच अ सिंपल पर्सन, एंड इतने आप डिप्लोमेटिक उनको नहीं लगे, ये इतने चालबाज उनको नहीं लगे आप, दे फील दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर देयर वर्क, दे फील दैट आप उनको निराश नहीं करोगे, कहीं ना कहीं यू गिव दिस वाइब दैट दैट अदर फील्स काइंड ऑफ हिप्नोटाइज्ड विद योर सिंप्लिसिटी, दे फील कि इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद यू, दैट्स व्हाई दे गिव यू अ चांस। ऑल राइट, तो आपकी सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी उनको अच्छी लगती है, जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो वो उनको बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लगता है, इस वजह से दे वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि उनको आपकी चीज़ें समझ आती है। अगर कोई चीज़ समझ ही नहीं आए तो दूसरा आप में इन्वेस्ट क्यों करें,
क्या आप ऑफर कर रहे हो उनको, तो बहुत ईजी सिंपल मैनर में आप चीज़ें उनको सिखाते हो। और सिंपल चीज़ें हर किसी को अच्छी लगती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पसंद आती दूसरों किसी को भी नहीं। सिंपल चीज़ जितनी होगी, ईजी टू अंडरस्टैंड जितना आपका काम होगा, उतने लोग आप पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपके वर्क पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और इसी वजह से, क्योंकि आप बहुत सिंपल वे में अपनी बात कहते हो, कोई फैंसी शानजी चीज़ें नहीं करते, सिंपल वे में, दैट्स वाई पीपल गेट कनेक्टेड टू यू एंड पीपल वॉन्ट टू वर्क विद यू। तो अपनी सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी को अप रखो। ऑलराइट, ज़्यादा डिप्लोमैटिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं, पीपल लाइक द वे यू आर, यू आर सिंपल, योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स आर क्वाइट सिंपल एंड दे लव दैट। All right, because simplicity now these days, it's becoming less. So be more simple. All right, we need simplicity in this world. The world is complex, but we need more simple people with simple simple things. All right. So yeah, that was it. This was the reading. Astrologically, if we look at pile number 2, so I see that the sign of Taurus, the sign of Gemini, because Gemini is also about other people, connecting with other people, communicating with other people. Taurus, Gemini, Sagittarius, and even Pisces seems to be prominent in your chart. Libra bhi. So Taurus mein we have the nakshatra of Kritika, Rohini, Mrigasira. Gemini mein we have Mrigasira, Ardra, Punarvasu. Phir Libra mein we have Chitra, Swati, Vishakha. और सजिटेरियस में वी हैव मूला पूर्वा षाढ़ उत्तर अषाढ़, पाइसिस में पूर्वा भद्रपदा उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। ऑलराइट, सो इन साइंस इन नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का या फिर कोई और प्लैनेट्स जरूर प्लेस्ड होंगे। एंड या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading pile. To tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because aapka birthday tamasic signs wale seasons mein se kisi ek season mein aata hai. So let's get started with your reading. To hum sabse pehle is astrology oracle deck se shuru karenge. Sabse pehle hum ye dekhenge ki is new chapter of career mein ya new cycle of career mein aapka sabse zyada focus kahan par hai, kahan life aap se sabse zyada focus kara rahi hai career mein, kaun se aspect mein career mein sabse zyada लाइफ फोकस करा रही है। ऑल राइट, वी हैव द 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन। सो like the 12th house shows far away foreign places. It represents monasteries, spirituality, it represents isolation, ashram, it represents donations, it's the house of our subconscious, it represents our dreams, sleep patterns, it also is the significator of our past life. All right, so, and this is also 12th house is also exit. So pile number 3, it can happen that in your workplace, at your workplace, there can be some people who are retiring, who are exiting the work now, who are retiring. Yeah, aise aap apne company mein dekh sakte ho logo ko jo shayad retire nahi ho rahe, but they are leaving the job and they are moving to some other company. और वो लोग होंगे जो आपको शायद बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक दे आर पीपल गोइंग अवे फ्रॉम योर वर्क प्लेस बिकॉज दे फाउंड बेटर वर्क समवेयर एल्स। If there are people retiring, so you are kind of a bit sad because now you're getting separated from them. And also in this new chapter of life, आप स्पिरिचुअलिटी या गुड डीड्स पर बहुत फोकस करते हो कि भाई करियर में मेरे को अपने फ़ायदे के पीछे दूसरे का नुकसान नहीं कराना है, तो मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है, चाहे मेरे को मुश्किल रास्ते पर चलना पड़े, पर मैं दूसरे को गिरा कर आगे नहीं बढ़ना चाहता, या मैं दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा नहीं करना चाहती, तो यू वॉन्ट टू प्ले
गुड, यू वॉन्ट टू प्ले फेयर, और कहीं ना कहीं अकेले आप काम करो अपने करियर में, अकेले इन द सेंस कि आपको अलग से कैबिन मिले, दैट कैन हैपन, या यू वर्क फ्रॉम होम, या आप आइसोलेशन में वर्क करते हो. बहुत सारे लोग बीच में बैठ के वर्क नहीं करते, आप अकेले बैठकर वर्क करते हो, मे बी यू वर्क फ्रॉम होम अगेन और यू फील मोर कम्फर्टेबल नेचुरली, और इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ यू फील मोर कम्फर्टेबल वेन यू आर वर्किंग अलोन, वेन यू आर नॉट वर्किंग विद लाइक 30 और 20 अदर पीपल इन द सेम रूम. मतलब आप अलग से बैठकर काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हो, और आपको ऐसा मिल भी रहा है, मतलब आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अलग बैठकर काम करो, तो आप ज़्यादा अच्छा काम भी कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. एंड ऑल्सो दिस शोज़ कि भाई आपका ध्यान ये है कि मेरे को अपनी रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छा मनी अर्न करना है, बहुत अच्छा मनी जो है मेरे पास होना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, आई वॉन्ट लिव अ गुड लाइफ. तो इवन इफ यू आर इन योर 20s, यू विल स्टिल थिंक अ लॉट अबाउट योर रिटायरमेंट इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ और न्यू चैप्टर ऑफ दिस करियर. यू विल थिंक अ लॉट अबाउट योर रिटायरमेंट. ओ आई वॉन्ट टू हैव बिग मनी आफ्टर माई रिटायरमेंट एट लीस्ट, और आई वॉन्ट टू लिव माई रिटायर्ड लाइफ इन पीस. मुझे नहीं पैसों के पीछे भागना इन माई ओल्ड एज. आई वॉन्ट अ गुड ओल्ड एज, चाहे मेरे को अपनी जवानी जो है सारी काम करने में बितानी पड़ जाए, पर मेरा बुढ़ापा अच्छा बीतना चाहिए भाई. सो इस तरह के आपके थॉट्स चले, सेटलमेंट के आपके थॉट्स चले. इवन आप में से काफ़ी सारे लोग फॉरेन प्लेसेस जाना चाहते हो, ये यहाँ पर सिग्निफाई हो रहा है. यू वांट टू लीव योर बर्थ कंट्री एंड मूव टू सम अदर कंट्री, और बेसिकली यू वांट टू लीव योर बर्थ प्लेस एंड मूव टू अ डिफरेंट स्टेट. लाइक राहु कैन बी इन योर असेंडेंट पाइल नंबर 3, या फिर राहु कैन बी इन द 10th हाउस इन योर चार्ट, या राहु कैन बी इन द 7th हाउस, या सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है. ऑल राइट, जैसे सैटर्न एंड राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. जैसे लेट्स से सैटर्न 5th हाउस में है, तो राहु असेंडेंट या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड हो, तो ऐसा प्लेसमेंट हो सकता है, ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेसेज अवे फ्रॉम ईच अदर हो. सैटर्न अगेन करियर है, कर्म है, और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर राहु के साथ ऐसे बन रहा है, कंजंक्शन है सैटर्न राहु का, तो ये शो करता है ऐसा पर्सन फॉरेनर्स के साथ डील कर सकता है. फॉरेन कंपनी से इस पर्सन को गेन होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से इस पर्सन को गेन होगा, सॉफ्टवेयर्स, आईटी सेक्टर, न्यू एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पर्सन डील करेगा अपने करियर में, या फिर इस पर्सन को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री से रिगार्डिंग वर्क करना पड़ेगा, या फिर कोई सोशल मीडियाज लाइक इंस्टाग्राम से डील करना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट क्रिएट करना, ये पर्सन कर सकता है. किसी चीज़ को बहुत सुंदर दिखाना, ब्यूटिफाई करना, माया भी दिखाना, लाइक राहु इज़ माया, राइट? तो कोई चीज़ सुंदर नहीं है, बट उसको इतना, मतलब उसका उसको, उस पिक्चर को इतना सुंदर दिखाना कि दूसरा खरीदने पर मजबूर हो जाए, माया. सो राहु इज़ दैट. किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी पब्लिसिटी करना, दिस इज़ राहु. सो ऐसे काम आप कर सकते हो. बट या विद लाइक द 12th हाउस हियर, इट डज शो कि आप जहाँ पर भी अभी हो, पाइल नंबर 3, जहाँ पर भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप यही चाहोगे कि मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरे को यहाँ से जाना है एक डिफरेंट स्टेट या सिटी, या फिर एक डिफरेंट कंट्री. ये एक राहु एनर्जी होती है पाइसिस साइन में, इट इज़ देयर, बिकॉज पाइसिस फॉरेन प्लेसेस का है, तो राहु इज़ फॉरेन. राहु बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो चाहे वो स्टेट बॉर्डर है, या फिर चाहे वो एक कंट्री का बॉर्डर है, वो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हो, मीनिंग एक दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो, अपने कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करके, दूसरी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करके उस कंट्री में एंटर करना चाहते हो, एक स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके उस दूसरी स्टेट में जाना चाहते हो, बट जहाँ पर भी आप हो, यू वॉन्ट टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस एंड मूव टू ए डिफरेंट फार अवे स्टेट और कंट्री. And this will also happen in this new chapter of life. कभी ये new chapter of life है, कभी ये new chapter of career शुरू हो रहा है, अभी से शुरू हो रहा है new chapter of career, क्योंकि तभी आपने इस reading को click करा, आप ये reading को सुन रहे हो. So you were destined to start a new chapter of your career, और ये अभी से शुरू हुआ है ये new chapter of your career. So इस नए chapter में travel is there, travel opportunities are gonna come for sure, and आप एक far away place पर जाते हो, नज़र आ रहे एक different state या city एक ही country में, या फिर एक country से दूसरी country भी आप जा सकते हो in this new chapter of life. Within like 6 months this can happen, you moving places. Let's pull some cards from this tarot deck about connections, कि किन लोगों के साथ आप connect हो रहे हो, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किन लोगों से आप मिल रहे हो इन योर करियर. सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स,
ऑल राइट, यू आर एक्चुअली मीटिंग पीपल जो बहुत एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजिशन पर होंगे एंड दे विल बी वेरी सीरियस, वेरी कमिटेड, वेरी पैशनेट टूवर्ड्स देयर करियर. बहुत उनका दिल लगा कर ऐसे लोग काम करते हैं. आप बहुत पैशनेट, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक लोगों से अपने करियर में मिलने वाले हो. अगेन दीज पीपल आर गोना बी ऑन वेरी गुड पोजिशन इन देयर, मतलब एक अच्छी पोजिशन पर होंगे, या ये किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं, या फिर अगेन गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छी पोजिशन पर हो सकता है, क्योंकि किंग है ना. सो दे विल बी ऑन एन अथॉरिटेटिव पोजिशन. और वॉन्ट्स की एनर्जी अगेन एज आई टोल्ड यू आर्टिस्टिक लोग होंगे, अपने करियर में बहुत आर्टिस्टिक, बहुत यूनिक होंगे और बहुत सीरियस, कमिटेड, पैशनेट होंगे अपने करियर को लेकर. अपने करियर फील्ड में बेस्ट है ये पर्सन, ऐसे लोगों से आप कनेक्शन बना रहे हो. देन वी हैव द टावर कार्ड. द टावर हेयर शोज दैट यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद द पीपल जो जिनके साथ लाइफ में ना बहुत सडन चेंजेस आए, जिनकी लाइफ में सडनली चेंज आया उनकी लाइफ में. ऐसे लोगों से मिल रहे हो, ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो जो बहुत हाई पोजिशन पर थे, बट सडनली उनका डाउनफॉल आया, कुछ ऐसा दशा चली, ऐसा समय उनका चला कि वही है, रिचेस से रैग पर आना पड़ा. ज़िंदगी ने कुछ ऐसा उनके साथ करा. तो ऐसे लोगों से भी आप मिल रहे हो, ऐसे लोगों से भी आर कनेक्टिंग. और ऐसे लोगों की गलतियां देखकर आप वो वाली गलती नहीं कर रहे हो. समझदार वही जो दूसरों की गलतियों से सीखे, ना कि खुद वो गलती करके सीखे, क्योंकि खुद गलती करके सीखने में ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी. पर दूसरों की गलतियां देखकर समझ जाना कि इस बात पर हमने नहीं चलना, तो आपको इन लोगों से समझ भी पड़ती है. लिटरली यू गेट कनेक्टेड टू दीज पीपल, या इन लोगों के साथ आप, इन लोगों के बारे में आप जानो. मतलब लिटरली यू मीट दीज पीपल, या समवन एट योर वर्क प्लेस टेल यू अबाउट सच पीपल कि उनके साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इस वजह से हुआ. सो ये चीज़ कुछ यहाँ पर नज़र आ रही है. ऑल राइट, तो आप उनकी गलतियों से कहीं ना कहीं सीखते हो और फिर वो गलती खुद दोबारा नहीं करते हो. सो this is actually a good thing that you are not repeating the mistakes. Then about the blessings, kya blessings ya kya achhi cheeze aapke career mein ho rahi hai in this new chapter of life or new chapter of your career, new cycle of your career. So we have five of pentacles. Actually, you know what, five of pentacles did came in pile number two, if I'm not wrong. The five of pentacles. ये pile number two का card है. Pile number three में भी five of pentacles आया है. So we all are kind of in the same boat. एक ocean की drop कहे कि मैं एक ocean की drop दूसरी ocean की drop से कही मैं तुमसे अलग हूँ, तो ये बात सच थोड़ी ना. So we kind of all are in the same frequency. We all are living the same life. So हम सभी एक same frequency पर work कर रहे हैं pile number three. That's why we are all connected to each other. So yeah, five of pentacles shows कि आपका भी pile number two की तरह बहुत एक अच्छा समय आने वाला है finances, money को लेकर. Like five of pentacles financially not doing well इसको show करता है. It shows that you are not really coming from a wealthy background, you are not coming from a affluent family. आप एक self-made person हो pile number three. आपको दूसरों से मदद लेना पसंद नहीं, financial help लेना तो बिल्कुल पसंद नहीं. मांगने से तो मरना भला, आप ये कहीं ना कहीं इस तरह का थॉट प्रोसेस रख सकते हो. फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज गिविंग मी दिस मैसेज दैट हेल्थ ऑल्सो बिकेम अ कंसर्न. कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छी ना रहने की वजह से करियर में आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे थे इन द पास्ट, बट द फ्यूचर इज काइंड ऑफ रियली प्रॉमिसिंग. इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ आपके हेल्थ इशूज़ यहाँ पर नहीं है. आपको इवन हेल्थ इशूज़ हैं भी तो आपके करियर में आड़े नहीं आ रहे, आपको तंग नहीं कर रहे आपके करियर में. ऑल राइट, आप अपने काम पर फोकस कर पा रहे हो, आपके पास मनी भी इंक्रीज हो रहा है, मे भी आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, इनकम यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है. ये जो बुरा टाइम था, फाइनेंशियल बैड टाइम या हेल्थ वाइज बैड टाइम था, ये एंड हो रहा है. आप ये देख सकते हो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में कि ये दो लोग स्नोफॉल में भी चल रहे हैं, आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, रुके हुए नहीं है, स्थिर नहीं है, चल रहे हैं. उसी तरह आपने भी बुरा समय देखा है, आप बुरे समय में भी सर्वाइव कर चुके थे, अब अच्छा समय आने वाला है, अच्छे समय में तो यू विल थ्राइव.
तो आपको इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में मनी अर्न करने के लिए मुश्किलों का सामना इतना नहीं करना पड़ेगा, मुश्किलें आपको नहीं होंगी, कोई आपके एज सच कंपेटिटर्स नहीं नज़र आ रहे, आपको सहयोग, आपके साथ कोऑपरेट करने वाले कई लोग मिलेंगे, आपको लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट फाइनेंशियल बैड हेल्थ वो अभी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एक फाइनेंशियली अच्छा समय आपकी लाइफ में, एक प्रॉमिसिंग टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। ऑल राइट, फाइनेंशियली यू गाइज आर डूइंग वेल इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, न्यू चैप्टर ऑफ करियर, यू आर डूइंग वेल। समथिंग मोर, क्या और ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 3 की लाइफ में आ रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। सो वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर शोज दैट योर कम्युनिकेशन, योर लॉजिक इज ऑन फ्लीक, इट्स ऑन पॉइंट। लाइक स्वॉर्ड्स की एनर्जी एयर एलिमेंट की एनर्जी है, एयर साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर, सो आप अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुँचा पा रहे हो। इफ़ यू वर ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया की आपकी जो फैन फॉलोइंग है, आपके जो सब्सक्राइबर्स है, आपके जो फॉलोअर्स है, जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, तो वो बढ़ रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है, आपकी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंच पा रही है, और लोगों को आपका लॉजिक भी अच्छा लग रहा है, लॉजिक भी समझ आ रहा है। देखो कुछ समय तक ना ये चीज़ होती है, जब आप शुरू शुरू में किसी को सुनना सुनते हो तो आप उसका लॉजिक समझते हो, लॉजिकली उसकी बात समझते हो, फिर कुछ समय बाद वो आपको इतना अच्छा लगने लग जाता है पर्सन, कि लॉजिक फिर नहीं, फिर उसको जो वो पर्सन कह देना, लॉजिक हो या ना हो, तब भी उसकी बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये चीज़ होती है, शुरू शुरू में लॉजिक देखोगे आप सामने वाले का, फिर एक वो समय आएगा कि आप इतना यूज्ड टू हो जाओगे उस पर्सन से कि चाहे उसकी बात लॉजिक नहीं क्रिएट करी, फिर भी आप उसकी बात मानोगे ज़रूर, क्योंकि आदत, इसी को कहते हैं आदत। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इफेक्ट आपके अंदर है पाइल नंबर 3 विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्या बहुत लॉजिकल नज़र आ रहे हो अपने करियर में, कम्युनिकेशन के टाइम बहुत लॉजिकल कम्युनिकेशन है और लोगों को बात आपकी बड़ी अच्छी लगती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि लॉजिक हो या ना हो, लोग फिर भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं और आपकी बात का बात के मायने रखते हैं, बात को एक्सेप्ट करते हैं, ऑल राइट, आपकी बात को रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आप बहुत लॉजिकल हो और आपको पता है किसको क्या बात किस समय पर मुझे कहनी है, करनी है। आप बहुत तेज़ शातिर नज़र आ रहे हो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है आपको किसी का डर नहीं सताता कि भाई मैं अगर ये बात बोल दूँ तो वो क्या मेरे बारे में सोचेगा या वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, आपको ऐसा कोई डर नहीं सता रहा है, आप बहुत बोल्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और ये कुछ पिछली टैरो कार्ड रीडिंग्स में हम बात कर रहे हैं दैट यू गाइज आर बिकमिंग बोल्ड, यू गाइज आर बिकमिंग, यू गाइज हैव लॉट ऑफ करेज इन यू, आप किसी से डरते नहीं हो, आप जो बात है उसको स्पष्ट सटीक तरीके से कह देते हो, और कहीं ना कहीं वो कई लोगों को क्लिक करती है और वो आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। आप बहुत बोल्ड हो अपने कम्युनिकेशन में इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 3 अबाउट द न्यू चैप्टर ऑफ देयर करियर। ऑल राइट, सो वी हैव करियर, ओके, दिस करियर कार्ड इटसेल्फ शोज, इटसेल्फ प्रॉमिसेस कि जहाँ दूसरे लोग सर्वाइव नहीं कर पाए वहाँ आप ग्रो कर जाते हो, थ्राइव कर लेते हो। जो दूसरे लोगों को टफ लगती है चीज़ें, वो चीज़ें आपको टफ ना लग के आप यहाँ ग्रो करते हो। जैसे आप यहाँ कोई और पेड़ नहीं देख रहे हो, सिर्फ ये अकेला पेड़ जो है ना ये ग्रो कर रहा है और कोई है ही नहीं, तो उसी तरह आप भी अपने करियर फील्ड में आप ही आप हो, दूसरा आपका कोई कंपेटिटर ही नहीं है, क्योंकि आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता, आपके आपके एनवायरनमेंट में कोई और फ्लरिश नहीं कर सकता, आप ही रिजिलियंट हो, आप ही के अंदर पावर ऑफ रिजिलियंस है टू ग्रो इन सच हार्श एनवायरनमेंट। ऑल राइट, यू हैव दिस पावर विद इन, आपकी यहाँ ग्रोथ हो रही है, करियर ग्रोथ, आप यहाँ पर वो सीढ़ी चढ़ रहे हो और चढ़ते ही जा रहे हो, आगे बढ़ते ही जा रहे हो। और जहाँ जो भी आपका करियर है ना पाइल नंबर 3, इट्स टफ़, इट्स डेफिनेटली टफ, स्ट्रगल है आपके करियर में ज़्यादा। कुछ आपने ऐसा करियर स्ट्रीम चूज़ करा है कि जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, बट इवेंचुअली यू नो आपका कोई कंपटीटर नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि टफ़ एनवायरनमेंट में बहुत कम ही चीज़ें ग्रो कर पाती है, पर आप उनमें से हो जो टफ़ एनवायरनमेंट में थ्राइव करोगे। देन वी हैव डिज़ायर, सो इट्स एज कॉस लेटस, so this desire card gives me the message that you desire success in your life, you want to become successful, you do not want to be lazy,
एट ऑल, यू वॉन्ट टू वर्क. आप बहानेबाजी नहीं करना चाहते, भाई इस वजह से मैं नहीं कर पाई या कर पाया ये चीज़ डा डा डा. नहीं, आप बहानेबाजों में से बहानेबाजी बनाने में करने में विश्वास नहीं रखते. आप काम करने में विश्वास करते हो, हार्डवर्क में विश्वास करते हो, एंड यू डिज़ायर सक्सेस, यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल. एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, एक स्ट्रॉन्ग चाहत है, और उस चाहत को आप फुलफिल कर पा रहे हो. सो इच्छा आपके अंदर ये तीव्र है कि मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है, तो जैसे मर्जी सिचुएशन आपकी खुद की, अगेन विल पावर की वजह से आप उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को पार कर लेते हो. अगेन आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है सक्सेस की, भूख है सक्सेस की. देन वी हैव रिफाइनमेंट. सो रिफाइनमेंट कार्ड हेयर शोज की वही है कि आपने अपने आप को, अपनी स्किल सेट्स को इतना रिफाइन कर लिया है कि कोई और कंपेयर नहीं कर सकता आपके साथ, या कंपीट नहीं कर सकता आपके साथ अपने आप को, अपनी स्किल सेट को. तो आपने अपने आप को बहुत रिफाइन कर लिया, अपने स्किल्स को बहुत रिफाइन कर लिया, दैट नो वन इज़ एबल टू विन ओवर और नो वन इज़ एबल टू कम्पीट विद यू. And I feel that many of you will do masters or will do PhD. I feel ये वाला card भी आ रहा है. So जैसे हम बात कर रहे थे कि आप में से काफ़ी सारे लोग PhD करोगे या masters करोगे, अपने field के best बनोगे, अपने field के master बनोगे. आपको, आपके पास ज़्यादा information होगा, आपके पास ज़्यादा knowledge होगा, आप research work में बहुत अच्छे नज़र आ रहे हो pile number 3, क्योंकि PhD में we have to create our own thesis, research बहुत करना पड़ता है, तो you have this ability within you. और आप अपने अगेन करियर के मास्टर बनते हो, नज़र आ रहे हो. देन वी हैव कंटिन्यूंस, इट्स एज एप्पल. आप जिस फील्ड में हो, आप उस फील्ड को ही कंटिन्यू करो, उस फील्ड को बदल नहीं रहे हो. जॉब बदल सकते हो, प्लेस ऑफ वर्क बदल सकते हो, है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो, पर आप अपना करियर फील्ड नहीं बदलते, इसी में कंटिन्यू करते हो और इसी में महारत हासिल कर लेते हो, चाहे जितना मर्जी मुश्किल ही क्यों ना हो. एंड वी हैव सक्सेस कार्ड. सो यू हैव, हम डिज़ायर कार्ड में यही बात करी जा रहे थे, पाइल नंबर 3, दैट यू हैव डिज़ायर टू बिकम सक्सेसफुल, डिज़ायर टू बिकम सक्सेसफुल बार बार. और यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, इट्स द पेपरमिंट. आप अगर देखो, पेपरमिंट का जो स्मेल होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. अगर किसी ने कमरे में पेपरमिंट पिया है ना, तो उसका स्मेल आता है. स्पेशली पेपरमिंट का जो एसेंशियल ऑयल होता है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी. इट्स नॉट बैड स्मेल, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. सो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो. एंड एक्चुअली देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड, अब उनको साइकिक्स कह लो या एस्ट्रोलॉजर्स कह लो, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दे कैन स्मेल सक्सेस, दे कैन स्मेल वेल्थ फ्रॉम अ पर्सन, एंड दे कैन इवन स्मेल पॉवर्टी. But you smell of wealth, your fragrance is of wealth, and your fragrance is of success. All right, pile number 3. You guys will become very successful in your career path. जो आपने अपने लिए फील्ड पिक करा है, उसके अंदर आप बेस्ट बनोगे. अगर आप मेडिकल फील्ड में हो एंड यू वांट टू बिकम अ सर्जन, तो आप सबसे बेस्ट सर्जन बनोगे अपने उस हॉस्पिटल के, या अपने उस सिटी के, कॉन्टिनेंट के. तो यू बिकम द बेस्ट सर्जन, मतलब आप अपने फील्ड के बेस्ट हो. आप अपने फील्ड में इतना आगे जाते रहते हो, समय के साथ इतना आगे बढ़ जाते हो कि आपके पास इतना नॉलेज होता है, इतना रिफाइनमेंट होता है आपकी स्किल में, इतना प्रसिजन होता है, या गलती के बहुत ही बहुत लेस चांसेस होते हैं आपसे. इस वजह से हर कोई आपके पास आना चाहता है, आपसे काम कराना चाहता है, और आप उसका अच्छा मनी चार्ज भी करते हो, एंड यू बिकम वेरी सक्सेसफुल. तो ये नया चैप्टर ऑफ लाइफ आपके लिए लेकर आया, ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसी हिम्मत, ऐसा स्किल सेट आपके लिए न्यू जो है ये चैप्टर ऑफ लाइफ लेकर आया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द क्लेंस कार्ड. द क्लेंस हेयर शोज दैट अगेन हम सुबह नहाते क्यों हैं, या हम अपने आप हाथ क्यों धोते हैं, सो दैट वी क्लीन आर सेल्फ, सो दैट वी क्लेंस आर सेल्फ, ताकि हम जो है अपने नए, स्पेशली दिन की शुरुआत करें. हम सुबह सुबह नहाते इसीलिए ताकि हम अपने दिन की शुरुआत करें, अपने आप को क्लेंस करते हैं कुछ नया शुरू करने के लिए. सो आई फील पाइल नंबर 3 दैट देयर इज़ दिस यू नो प्योरिटी पार्ट कमिंग इन. जैसे ये 12th हाउस आया था, व्हाट डिड आई टोल्ड यू अबाउट 12th हाउस, दैट इट इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी,
एंड वॉट डू स्पिरिचुअलिटी डज, इट प्योरिफाइज, इट क्लेंस. तो सिर्फ शरीर की क्लेंजिंग नहीं बट मन की क्लेंजिंग भी, कि किसी के लिए ऐसा, मतलब किसी के लिए ऐसा थॉट ना हो कि भाई ये जो है ये गिरे तो मैं आगे बढ़ूँ, मतलब ऐसा थॉट नहीं है आपका. आप सभी के साथ चलना चाहते हो, आप दूसरों का बुरा करके अपना अच्छा नहीं करना चाहते हो, या दूसरों के गिरा के, दूसरों को गिरा के खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, अच्छे काम करना चाहते हो, स्पिरिचुअली भी आप इम्प्रूव अपने आप को करना चाहते हो. क्योंकि आखिर लाइक इन द एंड ऑफ द डे यू नो वी ऑल विल डाई, इन द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल सोल्स, सम डे वी हैव टू लीव दिस बॉडी. किसी दिन तो भगवान से मिलेंगे, बुरे कर्म करें तो क्या मुंह दिखाएंगे, है ना. तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों पर, अपने अपने थॉट प्रोसेस पर भी बहुत फोकस करते हो कि आप किसी के बारे में बुरा भला ना सोचो, किसी से जेलस ना हो. आप सभी को आगे बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो, सभी को आगे बढ़ाओ. मेरा भला तो सबका भला, या सबका भले, सबकी भलाई में ही मेरी भलाई, सबके फायदे में ही मेरा फायदा. जब हम ऐसा थॉट रखते हैं तो कहीं ना कहीं ट्वेल्थ हाउस आपको हेल्प करता है और आपके ज़्यादा खर्चे नहीं होने देता है. लाइक ट्वेल्थ हाउस हमारे एक्सपेंडिचर का भी है, हमारे डोनेशंस का है, मतलब पैसे जाने का है, स्पेंडिंग का है, खर्च हो जाना किसी भी तरह. जैसे अगर कोई ट्वेल्थ हाउस की दशा रन करे और ट्वेल्थ हाउस को मार्स एस्पेक्ट करे, तो उस दशा में ऐसे पर्सन का मनी टिकने नहीं वाला, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा वो मनी. चाहे वो डोनेशन बहुत ज़्यादा दे देगा, या फिर वो पर्सन कोई एक्सपेंडिचर कर लेगा, या कोई फॉरन ट्रैवल कर लेगा, जिसकी वजह से उसका खर्चा हो जाता है, पैसे बचते नहीं है. तो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स को इतना इंप्रूव करते हो, इतना रिफाइन कर लेते हो अपने ट्वेल्थ हाउस को, स्पिरिचुअली अपने आप को इतना रिफाइन कर लेते हो कि अपने ट्वेल्थ हाउस का जो नेगेटिव रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, वो नील होना शुरू हो जाता है. आप ज़्यादा खर्च नहीं करते, अपना मनी सेव करते हो, और देना ये तो आप डोनेट करते हो मनी अपने, ऐसा वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं करते. आप सोचते हो कि ये मनी किसी और के काम आए. और हाँ, ये चीज़ होगी भी इस न्यू चैप्टर ऑफ करियर में, कि आप मनी डोनेट करना चाहोगे, अपने ऊपर ज़्यादा ना खर्च करना चाहो, और अपने एक स्पिरिचुअल, एक अच्छी लाइफ जीना चाहो, किसी के साथ बुरा ना करना चाहो, अपने आपके थॉट प्रोसेस को क्लेंस करो. बुरे थॉट्स नहीं क्रिएट करोगे, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करोगे, क्योंकि बुरा सोचना भी नेगेटिविटी है, बुरा है. तो अच्छे थॉट्स आपके अंदर ज़्यादा, पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आपके अंदर नज़र आ रहे हैं with the cleanse card. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Astrologically, अगर हम देखें तो yes, sign of Pisces, sign of Cancer, sign of Leo, and even the sign of Sagittarius seems to be prominent. यानी इन signs में planets placed होंगे. Pisces में we have पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती, और Cancer में पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, Leo में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, एंड सजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर अषाढ़ा. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवामशा चार्ट में सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, सेनेंट, असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड ट्वेल्थ हाउस में प्लैनेट ज़रूर प्लेस हो सकते हैं. आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाइस्ट डिग्री इन योर चार्ट, पाइल नंबर 3, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी जुपिटर इन योर चार्ट, और इट कैन बी मर्क्यूरी, इट कैन ऑल्सो बी सैटर्न. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do ask for tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.